दोस्तों आज की कहानी है, ससुर जी आप अपनी जमीन बेचकर ननन जी का ब्याह कर दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पिताजी यानी मेरे ससुर जी एक सिविल सेवा में थे। मैं सिविल सेवा सर्विस से रिटायर हो घर आ चुके हैं। घर में 3 बहू बेटे और उनकी एक बेटी है। काफ़ी खुशहाल परिवार है। मैं घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व भी बड़ा है। सासू माँ के नहीं होने के कारण घर की इज्जत हाल सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। घर की देखभाल बहू के रूप में करती हूँ और ये मेरा फर्ज भी है और मैं अपने फर्ज को खुशी खुशी पूरा कर रही हूँ। पिताजी बहुत ही भले अच्छे सबको इज्जत देने वाले सहनशील व्यक्ति हैं। अपनी सारी दुनिया परिवार को समझते हैं, सबकी खुशी चाहते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। अपने पैसों से घर का सारा खर्चा चलाना, सभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाकर पैरों पर खड़ा करना कोई कमी नहीं करते। बोलते हैं कि शिक्षित परिवार ही शिक्षित समाज का निर्माण करता है। पिताजी अपने पैसन का पैसा भी नहीं रख पाते ताकि मेरा परिवार बेटा बहू सब खुश रहे, सबको पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाना है ताकि कोई किसी पर आश्रित ना रहे। मेरा जीवन कम दिन का रह गया है। मेरी एक सबसे छोटी बेटिया रानी है, उसका भी अच्छे परिवार देख हाथ पी लेकर निर्सत हो जाऊंगा। भाइयों की सबसे लाडली छोटी बहन धूमधाम से अच्छे घर में शादी करेंगे। पिताजी शादी के लिए रईस परिवारी खानदानी लड़का नौकरी हो तलाश में लगे रहे, कहीं बात नहीं बनी। दहेज को लेकर चिंतित रहने लगे, खाते पीते सोते जागते बस एक ही बात मन में रहती कि कैसे बेटी की शादी करें। अच्छा घर परिवार मिल जाता तो शादी कर निशंत हो जाते। पिताजी गुमसुम रहने लगे, मन ही मन उदास, मुझसे देखा नहीं गया कि आखिर बात क्या है। सबको खुश रखने वाले आजकल उदास क्यों हैं? मैं पिताजी के लिए नाश्ता लेकर उनके पास गई और उदास रहने का कारण पूछा। पहले तो टाला नहीं बताना सा, लेकिन मैं हार नहीं मानी, पूछती रही। बहुत कोशिश के बाद पिताजी बोले कि बेटी तुम तो बहू हो, सबका कितना ख्याल करती हो। मेरे अपने 3 बेटे हैं, सारा जीवन कमाया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दिया। आज वही बेटा हाल तक नहीं पूछते कि पिताजी आप कैसे हो, तनिक भी नहीं सोच रहा कि छोटी बहन सयानी हो गई है, कैसे शादी ब्याह होगा। तुम अपने पति नवीन से बोलो ना, मुझे तो अपने पति से बात किए कितने दिन हो गए थे, बात करने को तरस गई हूँ। अपने काम में इतने उलझे हैं कि पत्नी को भी नहीं पूछ पाते। तीनों भाई पत्नियों की सुनते कहाँ हैं, लेकिन ये बात मैं पिताजी को बता नहीं सकती थी, वो और परेशान हो जाते। मैं बोली कि आप परेशान ना हो पिताजी, शाम को सब एक साथ होंगे तो बात होगी। शाम हुआ घर में सब एकत्रित हुए, इस बात को सबके सामने रखी। मैं पिताजी का चिंता का कारण बताया, किसी ने कुछ नहीं बोला। सब अपनी अपनी खर्च काम गिनाने लगे कि हम लोग के पास इतना पैसा कहाँ के खर्च कर पाएंगे। पिताजी का धड़कन तेज होने लगी, चिंता में रोज रोज कमजोर होते जा रहे थे कि अब मेरा इज्जत कैसे रहेगा। सब पैसा तो बच्चों में दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, अब कैसे होगा। अचानक मन में ख्याल आया कि पिताजी तीनों बेटों के नाम से शहर में
जमीन खरीद दिए, क्यों ना उस जमीन को बेच दिया जाए। घर की इज्जत का मामला है, अच्छे घर में शादी कर पिताजी का टेंशन दूर हो जाएगा। जमीन बेचने की बात सुन तीनों भाई की बोलती बंद हो गई। पिताजी के पाँव पढ़कर क्षमा मांगे और बोले कि पिताजी ये आपकी निशानी है, शहर का जमीन नहीं बेचा जाएगा। हम भाई मिलकर अपनी बहन का बहुत योग्य परिवार सर्विस करने वाले लड़के से शादी कर विदा किया। गांव के सारे लोग के मुंह से तारीफ सुनकर पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सबके सामने पिताजी ने कहा, गांव वालियों आज मैं पूनम जैसी लक्ष्मी बहू पाकर जीवन धन्य हो गया। सच में कहा गया है कि घर में अगर बहुत समझदार हो तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और मेरी पूनम ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। आज अगर मेरी लाडो की धूमधाम से शादी हो रही तो वह सब पूनम की वजह से है। मुझे हर जन्म में पूनम जैसी बहू मिले। पूनम भी बहुत खुश थी कि उसने अपने सारे फर्ज को अदा कर दिया।